वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज है दोस्तों 14 अप्रैल और कल है 15 अप्रैल। कल का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है सभी डीएलएड और बीएड छात्रों के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि अभी हाल ही में 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 11 अगस्त 2023 का फैसला है, जिसमें ये बताया गया था कि बीएड अब प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, वो फैसला उसी दिन से लागू होगा, यानी प्रोस्पेक्टिव ये लागू होगा। तो यहाँ पर सवाल ये था कि 2018 से 23 के बीच में जो चयनित बीएड हैं प्राइमरी में, उनका क्या होगा। तो इस मामले को लेकर 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा कि चयनित बीएड सेफ रहेंगे, अपने पद पर वो बने रहेंगे, क्योंकि हमारा ऑर्डर प्रोस्पेक्टिव लागू हो रहा है। लेकिन जो मामले हाई कोर्ट में सुने जा रहे थे, कहीं से यदि डिस्क्वालिफिकेशन था या फिर सब्जेक्ट टू आउटकम था, तो ये मामले हाई कोर्ट ही डिसाइड करेंगे। लेकिन इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न अभी भी बना हुआ है। इसको बीएड अपने तरीके से देख रहा है और डीएलएड अपने तरीके से देख रहा है। बीएड अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि उनका फैसला 11 अगस्त 2023 से लागू होगा, तो फिर 18 से 23 के बीच में जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं वो बिल्कुल सेफ हो गए। लेकिन वहीं पर डीएलएड के छात्रों का ये कहना है कि 18 से 23 को सुप्रीम कोर्ट ने सेफ तो कर दिया, लेकिन सिर्फ वो अभ्यर्थी जो कहीं पर भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत नहीं आ रहे थे, एडवर्टाइजमेंट यदि चैलेंज नहीं था या भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी या कहीं पर भी बीएड को लेकर डिसक्वालिफिकेशन नहीं हुआ था, वहीं पर बीएड सेफ है। तो कल का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो कल 15 अप्रैल को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद पहली बार किसी हाई कोर्ट में कल 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही कल हाई कोर्ट में डिस्कशन होगा और हाई कोर्ट कल क्लियर करेगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाह रही है। तो इस वजह से कल का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी राज्यों के चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए, साथ ही साथ डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीएड डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है, हाई कोर्ट ने बीएड को बाहर नहीं किया है। हालांकि ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम जरूर है, तो ये सारी चीज़ें कल हाई कोर्ट में डिस्कस होंगी। वहीं पर पटना हाई कोर्ट की बात करें, बिहार के 6 फेज में जो चयनित बीएड है, वहां पर पटना हाई कोर्ट ने बीएड को बाहर करने का आदेश दे दिया है। इसके बावजूद सरकार पटना हाई कोर्ट में रिव्यू के लिए गई है, साथ ही साथ अब सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल को ऑर्डर आ गया है, जिसमें कहा गया है कि ऑर्डर 11 अगस्त 2023 से ही लागू होगा, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए और बिहार में डिस्क्वालिफिकेशन बीएड का हो गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो हाई कोर्ट द्वारा ही डिसाइड की जाएंगी और कल चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत सारे छात्र लगातार पूछते हैं कि हमारा क्या होगा। तो छत्तीसगढ़ को लेकर दोस्तों आप ये बात बिल्कुल क्लियर समझिएगा, यह छत्तीसगढ़ का मामला तो बिल्कुल अलग है। वहाँ पर ज्वाइनिंग ही 11 अगस्त 2023 के बाद हुआ है, तो उनको तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। वहां पर बीएड अभ्यर्थी को बाहर होना ही पड़ेगा 1 to 5 से। तो कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जो भी अपडेट आएगी, जानकारी आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हाई कोर्ट अब कल क्लियर करेगी कि सुप्रीम कोर्ट आखिर अपने 8 अप्रैल के ऑर्डर में कहना क्या चाह रही है। और सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर भी अलग अलग थ्योरी चल रही हैं कि एडवर्टाइजमेंट सब्जेक्ट टू आउटकम है या हाई कोर्ट से सब्जेक्ट टू आउटकम है, कौन सा सब्जेक्ट टू आउटकम माना जाएगा। तो इन्हीं सब मुद्दों पर कल हाई कोर्ट में सुनवाई होती हुई दिखेगी। डीएलएड का पक्ष मेरे मानने में मजबूत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कंडीशन लगाई है कि भर्ती आपकी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए, किसी हाई कोर्ट में पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत यदि है, यदि आपकी भर्ती किसी शर्त के साथ हुई थी तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। तो हाई कोर्ट तो कल डिसाइड करने ही वाली है, क्या डिसाइड करती है ये कल देखना होगा। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।